नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से DVR में हार्ड डिस्क को इंस्टॉल किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने एक ओपन DVR है जिसकी प्रोसेसिंग यूनिट आप आसानी से देख पा रहे होंगे। ओके, इस DVR के अंदर हमारे पास दो वायर्स दी गई हैं। ये पहले से ही DVR में इनबिल्ट होती हैं या फिर DVR बॉक्स के अंदर आपको एक छोटा सा बॉक्स मिलेगा, उसके अंदर ये केबल्स आपको मिल जाएंगे। इन दोनों ही केबल्स का इस्तेमाल हमें हार्ड डिस्क के साथ कॉन्फ़िगरेशन करने में करना है। ये दोनों ही केबल्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं, क्योंकि इन्हीं केबल्स की वजह से हम हार्ड डिस्क को प्रोसेसिंग यूनिट से कॉन्फ़िगरेशन करवा पाते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट दिस हैं ये टू केबल्स, पावर एंड डाटा ट्रांसफ़र का काम करती हैं। हमें इन्हीं का कनेक्शन हार्ड डिस्क के साथ करना है। दोस्तों, आपके सामने एक 1 TB हार्ड डिस्क है। अब हम इस 1 TB हार्ड डिस्क को DVR की प्रोसेसिंग यूनिट से कनेक्ट करेंगे। इन्हीं मेल कनेक्टर्स का हमने उन 2 केबल्स से कनेक्ट करना है। अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ हमने हार्ड डिस्क को किस तरह से DVR में इंस्टॉल किया, उसकी कनेक्टिविटी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने आपको शो की है। यहाँ पर यहाँ DVR की प्रोसेसिंग यूनिट और हार्ड डिस्क को हमने कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं DVR में इन 4 पॉइंट्स को। ओके, ये आप देख पा रहे होंगे इन 4 पॉइंट्स को, और यहाँ हार्ड डिस्क में भी आप देखिए यहाँ पर भी 4 पॉइंट्स हैं। अब हार्ड डिस्क को DVR में इस पूरी तरह से कम्प्लीटली इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों एक बात का ध्यान अवश्य रखना, जब आप DVR में हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करें तो उसके स्क्रूज टाइट करना ना भूलें। अगर आप उनके स्क्रूज टाइट नहीं करते हैं, ऐसी कंडीशन में हार्ड डिस्क वाइब्रेट करती है और उसका जल्दी ही करप्ट रहने का खतरा रहता है। हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और भविष्य में भी हम आप लोगों को इस प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध करवाते रहें।